तो दोस्तों Realme 8 अगस्त को अपना 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप को शोकेस करने वाला है और ये कैमरा सेटअप शायद से आपको Realme 5 Pro में मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका छोटा सा हिंट Realme के CEO माधव सेठ ने ट्विटर पे अपना नाम चेंज करके दे दिया है। उन्होंने अपना नाम माधव X से एडिट करके माधव 5 क्वाड कर दिया है। इससे तो दोस्तों यही लगता है ये कैमरा सेटअप आपको Realme 5 Pro में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं Realme 5 Pro के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में, क्या होगा इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और कब तक और कितने प्राइस में ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको Realme X जैसा ही डिजाइन मिलने वाला है, वही आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा और उसके साथ यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले जो कि एक सुपर एमुलेट पैनल होगा और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो शायद से यहाँ पे आपको MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों बजट के अंदर सिर्फ यही प्रोसेसर में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा का सपोर्ट मिलता है। तो शायद से इस बार आपको MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर मिल सकता है। और दोस्तों इस प्रोसेसर का जो Antutu स्कोर निकल के आया है वो Snapdragon 730 से भी ज्यादा है, यानी कि दोस्तों ये प्रोसेसर Snapdragon 730 से भी ज्यादा पावरफुल है। और अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर में 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा और ये सैमसंग का GW1 सेंसर होने वाला है। और दोस्तों बाकी तीन सेंसर के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें 8 अगस्त को ही पता चलेगा। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको 4045 mAh का बैटरी मिलने वाला है जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा और यहाँ पे आपको Vogue 3.0 का सपोर्ट मिलने वाला है और उसके साथ ही टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक और साइज से डेडिकेटेड माइक्रो HD कार्ड स्लॉट भी मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में तो शायद से ये फोन इसी महीने के लास्ट वीक में लॉन्च होने वाला है। और अगर बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो दोस्तों क्योंकि इस फोन में आपको दुनिया का पहला 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा मिलने वाला है और उसके साथ ही इसका प्रोसेसर भी बहुत ही पावरफुल है, तो इसके लिए डेफिनेटली इसका प्राइसिंग Redmi X से ज्यादा ही होगा। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस लगभग 20,000 के अराउंड होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं 8 अगस्त को क्या कुछ पता चलता है इसके रिगार्डिंग। तो यही था Realme 5 Pro के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।